सच में बड़े दिल से अच्छा कि ये घंटे वाली ब्लॉग है। आज ही है कि हम ही है, आज देखो ना, आज मजा देखो। currently at Deoghar, Bilasi के पास मैं ऐसे भटक रहा हूँ, लेकिन apparently I was supposed to be in Mumbai today, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ। So as you might know कि हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी 50 घंटे में, और वो नॉमिनेट हुई है बेस्ट फिल्म के लिए। जिस दिन मैं बना रहा हूँ उस दिन पता नहीं चला है मुझे कि उसमें अवार्ड मिला है कि उसको नहीं मिला, लेकिन नॉमिनेशन ही बहुत बड़ी बात है क्योंकि 30-35 लोग सेलेक्ट हुए थे और बहुत लोगों ने बनाया होगा, 3000 लोगों ने बनाया ही होगा पूरे वर्ल्ड से। तो दुबई के लोग, सिंगापुर, मलेशिया के ऐसे ऐसे लोग भी वहाँ पे नॉमिनेट हुए हैं, अच्छे अच्छे फिल्म मेकर्स, और सारे फिल्म मेकर्स है। हम लोगों को कोई एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं था, सो जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ 450 व्लॉग जो मैंने बनाए हैं 450 दिन में, तो उसका इतना निचोड़ था मैंने एक शॉर्ट फिल्म में डाला था, एंड लकीली हम लोगों को सिलेक्शन मिल गया है। एक्चुअली 2 तारीख को 8 बजे रात को नॉमिनेशन पता चलने वाला था कि कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। मुझे तो कोई भी उम्मीद नहीं थी। 8 बजे सर्वर पूरा फेल था, कुछ ओपन ही नहीं हो रहा था। उसके बाद 12-12:30 बजे की रात में चेक कर रहा था कि कहां से ऊपर से नीचे चेक कर रहा था, मेरा कहीं नाम ही नहीं है मोबाइल कैटेगरी में। मोबाइल कैटेगरी हम लोग बनाया, उसमें कोई नाम ही नहीं है। मुझे लगा हो गया, इतना सारा मेहनत, मतलब मजा जो फिल्म मेकिंग में आता है वो 50 घंटे बनाने में आया था। क्या होता है उसके बाद तो पता नहीं, लेकिन तभी बहुत मजा आता, तो वो वसूल लिया था। लेकिन यू नो ग्रीड होता है ना कि काश काश ये हो जाता, काश जीत। फिर मैंने सोचा कि अरे नीचे से चेक कर, नीचे से चेक कर, और नीचे में मैं था। तो उस दिन रात को मैं बड़ा खुश थी फाइनली। अब मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि कम से कम नॉमिनेट, अगर नॉमिनेशन नहीं होता तो कोई भी इसको रिकग्नाइज कोई नहीं करता, मतलब कोई बोलता ही नहीं कि अच्छा बनी। लेकिन रिकग्निशन मिले तो भी सब बोलेंगे हाँ अच्छा बना, अच्छा बना, क्योंकि दूसरे ने रिकग्नाइज किया। कांग्रेचुलेशन गगन एंड अभय फॉर द वंडरफुल जॉब, एक नंबर। उसके बाद बात आ गई थी कि अब 8th और 9th अक्टूबर को पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा। वो उस दिन फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने वाला जजेस के सामने मुंबई में, तो वहाँ पे हम लोगों को तो होना था, फ्री पासेस हम लोग के पास, कोई भी एंटर कर सकते, तो जो नॉमिनेट हुए आराम से एंटर कर सकते थे, हम लोग जाके आराम से बैठ के मजे कर सकते थे। लेकिन आने जाने में 15,000 जो लगेंगे, ऊपर से आंखों में जो मेरे कंजक्टिवाइटिस हुआ, 1.5 दिन के लिए मुझे लेफ्ट वाले आई में कंजक्टिवाइटिस क्या हो गया, पूरा चेहरा सूख गया, ऐसा लग रहा है कि 20 दिनों से मैं हॉस्पिटलाइज था। पार्सल लेने थे बस, उसके लिए घर से निकला था। अभी 2 दिन रेस्ट लूंगा, आई डोंट नो हाउ आई विल रिकवर, होपफुली मेडिसिन वगैरह मैंने लिया है, दे आर वर्किंग, धीरे धीरे होगी पीस। तो उसके बाद वो जाना संभव नहीं हो पाया। हाँ क्या, इधर इधर आना, इधर इधर आना, हाय। अरे नहीं तुम इधर आओ, तुम इधर आओ ना, तुम्हारा रिव्यू चाहिए। कैसा व्लॉग, व्लॉग बोलते हो, तुम्हारा फोन कैसा लगा दीदी का तुमको? नहीं अच्छा। हाँ छूना भी अलाउड नहीं, तुमको उसको मिलना भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना। कैसा लगा फोन? ठीक है, जब बस मेरा, हाँ तो सिम तो जब डल जाएगा डल जाएगा, तुमको फोन चाहिए रही। बाय द वे श्रेया अपनी बहन अभी 9th स्टैंड में पढ़ती है, तो उसको फोन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, और आज के जमाने में तो फोन एकदम मस्ट है, तो उसके लिए एक नया सा फोन बिग बिलियन डे में ऑर्डर किया गया है। मैंने पैसे नहीं दिए हैं, मैं इतना अच्छा भाई नहीं हूँ, मॉम ने दिए थे, तो Realme C30 उसके लिए फोन आया था। तो वही मैं उसे फीडबैक लेने के लिए गया था कि कैसी लगी उसको फोन, मजा आया या नहीं मजा आया, तो शी लाइक्ड इट। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या यार 15,000 बचाने के चक्कर में मुंबई नहीं गया, अभी मुंबई जाता कितना अच्छा ब्लॉग वगैरह बन जाता, कंटेंट ही कंटेंट, जिधर जाओ कंटेंट। यस आई नो 15,000 बचाए, लेकिन उसको कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया। आई टेल यू कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया और क्यों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मुंबई जाओ हड़बड़ी में, कुछ कर ना पाओ तो उसमें मजा नहीं है ना। जाऊंगा तो फिर अच्छे से जाऊंगा, 8-10 दिन को लेकर जाऊंगा एक्सप्लोर करके, तब 1-2 दिन में क्या मजा आता। यू माइट बी वंडरिंग कि 15,000 बचाए तो 15,000 किए क्या, अभी बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट किए, तो कहाँ गए 15,000? तो लेट मी शो यू समथिंग। या राइट, दिस इज सीगेट वन, दूर तक पहुंचेगी तब इसका आवाज खत्म होगा, एंड आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ माइक, दिस इज सीगेट्स हार्ड ड्राइव। ये 2 TB का है, 2 TB का है, इसमें आप जितना भी व्लॉग वगैरह बना चाहते हो तो जो बैकअप होता है, जो वीडियो आप, मैं डिलीट कभी भी अपने फुटेज नहीं करता हूँ, कभी अपने फुटेज डिलीट नहीं करता हूँ, तो सारे इसमें स्टोर कर दूंगा तो मेरा हो जाएगा। ये तो 5,000 का, तो 2 TB में मुझे मिला था, सेल में चल रहा था। इसके साथ साथ मैंने एक SSD भी मंगाई है जो कि 1 TB की, बहुत तेज होती है, उसमें आप व्लॉग आराम से एडिट कर सकते हो। अपनी एक दिल से इच्छा है कि 1 घंटे की व्लॉग एक आए, सच में बड़े दिल से इच्छा है कि 1 घंटे वाली व्लॉग आए, मजा आ जाएगा, मुझे खुद बनाने में बड़ा मजा आएगा। अब वो ऐसे ही यहाँ पे घर देवघर में तो बन नहीं सकती है, कहीं मैं अगर ट्रैवल कर रहा हूँ तो तभी बन पाएगी, देवघर टू कोलकाता वगैरह ऐसे बाइक पे ही हो सकता है, ऐसे ट्रैवल करोगे तो तुरंत पहुंच जाओगे, ज्यादा कुछ होता नहीं।
तो होप फॉर द बेस्ट। उस एक घंटे को बनाने के लिए अपने लैपटॉप जवाब दे देगा, वो उतना ज्यादा लोड नहीं ले सकता है, तो उसकी वजह से स्पेस कम है, 256 GB है। तो मैंने 1 TB का SSD खरीद लिया है। ऐसे उसकी दाम होती थी 12,000, लेकिन मुझे 7,700 रुपये मिल गई, बहुत ही ज्यादा चीप। तो 8,000 सुनने में लगता होगा कि गलत जगह लगा दिए पैसे, ले नहीं लगाना चाहिए 15,000, लेकिन इट्स काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बस ऐसे इन्वेस्टमेंट है। तब तक के लिए यही जानो कि अब फुटेज का कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी बड़ा मैं ब्लॉग बना सकता हूं, स्ट्रेट SSD से एडिट करके उसे सही निकाल एक्सपोर्ट कर दो, बहुत जरूरी है, ट्रैवलिंग में तो काम आने ही वाला। यूजुअली आजकल मैं ऐसे ब्लॉग बना रहा हूं जो कोई भी देख सके, अगर पहली बार भी कोई पब्लिक लैंड होती है तो वो देख के समझ सके कि क्या हो क्या रहा है, लेकिन आज मोस्ट ऑफ द बातें जो मैं कर रहा हूं वो उनको समझ में आएगी जो मेरा रेगुलर व्लॉग्स देखते हैं। तो अगर आप पहली बार आए तो सो सॉरी, बहुत दिनों से मोटो व्लॉग नहीं आ रहे हैं, तो यार दैट्स ट्रू, क्योंकि मेरा हेलमेट जो है वो चला जा चुका है, अब वो कभी नहीं चलेगा। आई नीड ए न्यू हेलमेट एंड बेसिकली न्यू सेटअप, उसके बाद ही कुछ कर सकता हूँ। सोच रहा हूँ जाने के लिए, बस ये एक घंटे वाला व्लॉग बनाने की बड़ी तलब हो रही है मुझे, बहुत ज्यादा। आई लव व्लॉगिंग, आई ब्रीथ व्लॉगिंग, आई ईट व्लॉगिंग। मुझे 7,700 रुपए मिल गई, बहुत ही ज्यादा चीप। तो आई शो यू व्हेन इट अराइव्स द नेक्स्ट डे। रीजन क्योंकि आप मुझे इतना भागते हुए देख रहे हैं ये है कि ये जो कार्ड है ये मुझसे गिर गया था, इसमें सारे दुर्गा पूजा के फुटेज है। ये मेरे मैक में लगता नहीं है डायरेक्टली, तो उसके लिए पोर्ट्स सब चाहिए, तो इसमें सारे वो है जिसमें टेस्ट कर सकता हूँ कि ये कार्ड में कुछ बचा कि सब डिलीट हो गया। बीस GB के फुटेज में दुर्गा पूजा के है, लेट मी शो यू सम। नहा लिया 200 गाली खाने के बाद मैं भी नहाया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो थी ये हब है, इसमें 7 पोर्ट्स हैं, इसमें कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मैकबुक से, क्योंकि अपने मैक में जो है बस दो ही पोर्ट होते हैं USB टाइप सी। और बाय द वे मैं ऐसी टेक्निकल बातें आज ज्यादा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स जो अपने वो व्लॉगर्स है, तो उनको बताना पड़ता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं दीदी के साथ वीडियो बनाऊं, वो भाई बहन वाला ज्यादा पसंद करते हैं, कोई कोई बाइक वाला पसंद करते हैं, कोई कोई टेक्निकल चीजें पसंद करते हैं। आज की वीडियो में आई माइट हैव टॉक्ड लिटिल बिट मोर व्हाट आई शुड हैव, तो उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा करना पड़ेगा क्योंकि बहुत खर्चा किया। 1500 का आता था 1100 में मिल गया है। शाउट आउट टू प्रेम भैया फॉर ऑल द डिस्काउंट्स, क्योंकि SBI में डिस्काउंट थे Amazon पे, मतलब प्रेम भैया के कार्ड से सब कुछ कटा है, पैसे मैंने सेंड किए थे। वैसे आपको हार्ड ड्राइव तो मैंने दिखाई थी, वो कुछ ऐसी होती है, बहुत सारे कंपनी का आता है, सीगेट आता है, वेस्टर्न डिजिटल आता है, बहुत सारे कंपनी का आता है। मैंने सीगेट इसलिए लिया क्योंकि इसमें 4 महीने क्रिएटिव क्लाउड फ्री है, मतलब फोटोशॉप लाइट रूम कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने 2 TB का खरीदा, अगर आप खरीद रहे हो तो 5 का ही खरीदना, आपके पास बजट हो। मेरे पास 3-4 हज़ार रुपए कम पड़ गए थे क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने खरीद ली है अक्टूबर के महीने। यूजुअली 5400 में मिलती है, मुझे मिली है 4600। तीसरा और चौथा जो चीज है वो ये दोनों पाउच है, मतलब इसमें अपना हार्ड ड्राइव आप रख सकते हैं, क्योंकि हार्ड ड्राइव की क्या बात होती है कि अगर एक बार गिरा फिर भूल जाइए कि आपने कुछ शूट भी किया था उसमें। इसके अंदर ऐसे इसमें डाल दो, बाकी मैं SD कार्ड वायर्स कुछ भी चाहिए ऐसे डाल दो, अब हमसे पाउच टाइप का हो जाता है, अगर ये गिरा तो ये थोड़ा सा शॉक प्रूफ होता है, एब्जॉर्ब कर लेगा थोड़ा सा तो बच जाएगा। तो अगर आप व्लॉगर हैं तो डेफिनेटली बाय अ हार्ड ड्राइव और एक SSD। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बैग, आज बात क्या है कि इसमें मैक आप रख ही सकते हैं, उसके साथ साथ इसे पकड़ के ले भी जा सकते हैं, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल है लेकिन देखने में ठीक ही ठाक लगता है, अपना काम बन जाएगा। और यहाँ पे जो ये जो कंपार्टमेंट है इसमें मैं चार्जर रख सकता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, चार्जर के लिए अलग से ढूंढना पड़ता है। तो इतनी सारी चीजें हैं और SSD अभी तक आई नहीं है। तो यूजुअली मैं बिग बिलियन डे में 15-16 हज़ार की चीजें खरीद लेता था इलेक्ट्रॉनिक्स में, हमेशा लेता हूँ, उसके बाद कपड़े में लेता हूँ, फिर शूज आता है और ग्रोसरी, तो 4 डिपार्टमेंट शॉपिंग होती थी। इधर ग्रोसरी कुछ नहीं किया, शूज तो सब आउट ऑफ स्टॉक, तो जितने पैसे थे सब यहाँ फूंक डाले, लेकिन बहुत जरूरी था ये सब कुछ करना। और टेक्निकल बातों से अब आप बोर हो चुके हैं तो लेट्स गो आउटसाइड। I'm currently